हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन एकेडमी। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम लोग जेई मेन और नीट के जो सीरीज चल रहा है उसमें सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं उसको जरूर से जरूर जाके देखें, और जो नए हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करें। इसमें हम लोग बात करेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, जो हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर चुके थे। पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ लिए थे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। ओके, आज हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इससे रिलेटेड। ओके, तो होता क्या है, सिंपली स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाम से पता चल रहा है। आइसो, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। आइसो मीन्स सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना। एग्जाम्पल देख सकते हैं, सपोज सोडियम, ठीक है, एन ए प्लस, ठीक है, एन ए प्लस यदि लिख देते हैं, मतलब सोडियम के पास एटॉमिक नंबर होता है 11, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल एटम में। लेकिन अभी क्या है, प्लस मीन्स क्या, प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जब भी प्लस बात करेंगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एन ए प्लस बोले जैसे ही, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, सिमिलरली मैग्नीशियम की बात करें, एम जी डबल प्लस का, तो मैग्नीशियम के एटम में 12 होता है, 2 प्लस मीन्स क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया अब, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, 12 में 2 गया तो 10 बचा। इसका मतलब इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो है एन ए प्लस एंड एम जी डबल प्लस, ये दोनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, तो हम लोग, है ना, बोल सकते हैं इसमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया कि विच आर, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसा ऑप्शन दे देता है बहुत सारा, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। और डायरेक्ट बहुत ही आसान भी है ना, कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और कितना प्लस या माइनस चार्ज है वो पता होना चाहिए। ओके, तो इस रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, है ना, तो पहले इसको ट्राई करें फिर हम बनाते हैं। ओके, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, इसमें से कौन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो कैसे बनाना है, सिंपली चेक करना है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, है ना, हर एक में। तो इसमें देखते हैं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया 6, और ऑक्सीजन का 8, तो 6 + 8 यानी 14 हो गया, पहला ऑप्शन में 14 हो गया। ओके, सी एन माइनस, सी में फिर से 6 6, और नाइट्रोजन पे 7 7, और माइनस मीन्स क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 1 यानी 8, तो 6 + 8 6 + 8 यानी ये भी 14 हो गया। इसमें 7, ओके, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 8 में 1 प्लस गया तो 7 हो गया, तो 7 + 7 कितना हो गया, 14। ओके, अच्छा यहाँ पे देखते हैं कार्बन 6 और 2 है, तो 6 × 2, और 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें भी क्या हो गया, 14। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इस सब भी चेक करके हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे पहला वाला ही जो है सबके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8, तो 6 + 8 14, और 1 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 6 + 7 6 + 7 13 हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो बाकी सब समूह देखने का भी जरूरत नहीं है। उसी तरह ये सब भी चेक करेंगे तो किसी में इक्वल नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही जो है क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। नाम से पता चल रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा क्या, आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा कोई भी एटम को, कोई न्यूट्रल एटम है उसको आयोनाइज करना है, दैट इज प्लस चार्ज लाना है। जैसे अभी बात किए थे सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ओके, इसका कन्फ्यूजन करेंगे तो 281, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, इसको यदि हम लोग ऐसा बनाएं
फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और लास्ट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलना है ना, इसको यहाँ से निकालेंगे। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, और उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। अपने आप तो निकलेगा नहीं, है ना, तो इस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं ये सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन भी इस तरह है, ठीक है। इसको हम लोग एनर्जी दिए तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी एन ए पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक प्लस चार्ज लगा देंगे। प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सिंपल है, कोई भी है ना एलिमेंट है, बशर्ते ये गैसियस होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, मतलब गैस फॉर्म में एग्जिस्ट होना करना चाहिए, और आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड मीन्स अकेले होना चाहिए, किसी से कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, और सब एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो है ना, अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो सिंपल है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, है ना। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है, साइज। ओके, साइज फैक्टर, ठीक है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी चाहिए, सपोज है ना ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। यदि इलेक्ट्रॉन यदि पास में रहेगा, सामने में रहेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, कम, है ना। अभी देख सकते हैं किसमें ज़्यादा अट्रैक्शन है, किसमें ज़्यादा अट्रैक्शन है, यहाँ पे प्लस और माइनस में सामने सामने होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स, प्लस माइनस में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन है, और प्लस माइनस ये दूर होने की वजह से इसमें अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अटैक करके रखना चाहते हैं, निकलना नहीं, ये न्यूक्लियस इसको निकलने नहीं देना चाहेगा, है ना, इन दोनों को। लेकिन किसमें ज़्यादा खींच कर रखा हुआ है, इसमें, क्योंकि इसमें सामने है, यानी ये आसानी से निकल सकता है, और इसमें, हाँ, इसमें जो है आसानी से निकलेगा, मतलब इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। फिर समझते हैं इसको निकालने में जो एनर्जी चाहिए, तो किसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, ऑफकोर्स ये सामने सामने है तो इसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, ये दूर में है तो अट्रैक्शन कम होगा, तो आसानी से निकल जाएगा, यानी कम एनर्जी चाहिए होगा निकालने में। ओके, यानी साइज ज़्यादा है ना, इसके एटम का साइज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, साइज कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने में जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा लग रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कोई भी एटम का साइज के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, और साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम जो है सेकेंड ऑर्बिट में है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में जो है इस सेकेंड पीरियड में आता है सोडियम, और ये थर्ड पीरियड में आता है, तो ये ऊपर में है और ये नीचे में है, मतलब इसके पास देखेंगे तो इसके पास 3 ऑर्बिट है, इसके पास 4 ऑर्बिट है, ठीक है। तो अप टू डाउन जाने से साइज बढ़ता है, हम लोग साइज के बारे में देख चुके हैं। तो इसका साइज किसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज क्या है, साइज देखेंगे तो साइज सोडियम का क्या है, कम है, किसके साथ, पोटेशियम के साथ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, जस्ट उल्टा, साइज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, तो सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, पोटेशियम के साथ साइन चेंज हो गया। ओके, साइज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, साइज पोटेशियम का ज़्यादा था तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो ये पहला फैक्टर है ना, साइज पे डिपेंड करता है। यानी हम लोग यदि बात करें यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, तो सबसे पहले साइज का बात करेंगे, साइज भी हम लोग रिवीजन हो जाएगा। साइज बात करेंगे तो लिथियम का साइज सबसे छोटा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। और आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो लिथियम का आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। तो इस तरीके से हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड्स देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ओके, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
अपनी एंथैल्पी, ठीक है। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर होता क्या है कि जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, ठीक है। जैसे फर्स्ट पीरियड मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम, फिर थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना, इस तरह जाते हैं। तो लेफ्ट राइट जाने से ऑर्बिट में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें कौन सा ऑर्बिट है, 281 ऐसा करते हैं, मतलब इसके पास तीन ऑर्बिट है, यानी न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इसमें भी कितना ऑर्बिट होगा, तीन ऑर्बिट, क्योंकि इसमें 282 आएगा, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। लेकिन जैसे लेफ्ट राइट जाएंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा कि जो न्यूक्लियर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना उसका एटॉमिक नंबर है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है। ऑर्बिट नहीं बढ़ रहा, ऑर्बिट अभी भी क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऑर्बिट अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस पे बढ़ते जा रहे हैं। उसके वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें अट्रैक्शन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब लेफ्ट राइट जाने से, अट्रैक्शन बढ़ने से साइज क्या होगा, साइज जो है वो डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, साइज जो है डिक्रीज होने लगेगा, और साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा, है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। अभी देखे थे साइज कम तो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, यानी आयन इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसका मतलब दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि साइज घट रहा है, लेफ्ट राइट जाने से साइज घटता है, जो कि हम लोग पहले से जानते ही है, ठीक है। साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, या ऐसा बोल सकते हो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव मीन्स न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑर्बिट नहीं बढ़ रहा, ऑर्बिट जो कहती हूँ है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, यानी लेफ्ट राइट जाने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। या यूँ समझे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो चार्ज के, सॉरी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि हम लोग फर्स्ट में देख चुके हैं, तो दोनों ही बात बराबर है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बात करें, बोलेंगे फ्लोरीन ऑक्सीजन, सोडियम, या ऐसा लेते ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 9 हो गया, ओके। लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज होता है। या बोल सकते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, यदि हम लोग साइज का बात करें, साइज का, तो ऑक्सीजन का साइज क्या होगा, ऑक्सीजन का साइज बड़ा होगा फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटता है। और यदि हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कम हो गया, या बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ऑक्सीजन का कम है, है ना। यदि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, जेड इफेक्टिव, तो किसका ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव फ्लोरीन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके। तो ये सेकेंड पॉइंट था, और जो थर्ड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, थर्ड पॉइंट ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इससे जो है क्वेश्चन आता ही है कि क्या बोल रहा है, फुल फिल ऑर्बिटल है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाफ फिल ऑर्बिटल और पार्शियली फिल ऑर्बिटल। मतलब फुल फिल ऑर्बिटल मतलब क्या, जैसे पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल फिल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स है और 2-2 इलेक्ट्रॉन, है ना, पूरा पूरी 6 इलेक्ट्रॉन p6 भरा हुआ है। हाफ फिल मीन्स p3, मतलब 6 का आधा 3 होगा और एक एक करके इस तरह भरा रहेगा, है ना, आधा 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भरा रहेगा। और इसके अलावा p2, p1, p2, p4, p5, ये सब कितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो सब सब क्या क्या लगेगा, पार्शियली फिल्ड। जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सब एक ही भरा रहेगा, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ भी एक आ जाएगा, ठीक है, तो उसको सब पार्शियली फिल्ड कहलाएगा। और फुल फिल ऑर्बिटल जो है ज्यादा स्टेबल होगा हाफ फिल्ड के रिस्पेक्ट में, और ये ज्यादा स्टेबल होगा ये सब के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यदि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ज्यादा स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि वो स्टेबल है, है ना। कोई भी एटम क्या चाहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस ऑर्बिटल्स का स्टेबल रहे, है ना, फुल फील्ड रहे, ठीक है।
जब फुलफिल रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा और लेना भी नहीं चाहेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है तो वो स्टेबल होगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालने में मतलब जबरदस्ती निकालना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, है ना। तो एनिस एनर्जी क्या हो गया, इसका मतलब बढ़ गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स के डायरेक्टिव में फुल ऑर्बिटल का एनिस एनर्जी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाफ फील्ड एंड पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। बोलेंगे इन दोनों में है ना किसका जो है एनिस एनर्जी ज़्यादा होगा, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर बात करें तो 7 हो गया, इसका यदि कन्फ्यूजन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p3, है ना। 2p3 मीन्स पी में कितना, पी जो है 3 हो गया है, मतलब क्या हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया है। वही ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2p4 आएगा, 1s2, 2s2, 2p4, इसका मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाफ फील्ड और ये क्या हो गया है पार्शियली फील्ड। यदि हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो क्या होगा, ये हाफ फील्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा और पार्शियली फील्ड होने की वजह से ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इसका यदि हम लोग बात करेंगे आयनिस एनर्जी का, तो आयनिस एनर्जी किसका होगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। और ये याद भी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन का आयनिस एनर्जी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, क्यों, तो बोलेंगे क्या, ये पार्शियली फील्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो आयनिस एनर्जी भी क्या होगा इसका ज़्यादा होगा। ओके, तो एक और फैक्टर देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। आयनिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। मतलब कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयनिस एनर्जी होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे Na प्लस है, Mg डबल प्लस है, F माइनस है, O2 माइनस है ना। तो इसमें हो गया, जैसे बात करते हैं Na प्लस का, Na प्लस मीन्स आप देख सकते हैं कि सब के पास जो है सेम नंबर इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस है तो इसके पास 11 एटमिक नंबर था, 11 में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी ये फुल फिल ऑर्बिटल हो गया है, क्योंकि लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 2, 8, इस तरह कन्फ्यूजन होगा, यहाँ भी 2, 8, यहाँ भी 2, 8, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इसमें से सब स्टेबल हो गया, लेकिन फिर भी इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा और किसका आयनिस एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आयनिस एनर्जी होता क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लग रहा है, कौन किस में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऑफ कोर्स Na पे एक प्लस है, मतलब क्या है कि इस पर एक प्लस चार्ज आ गया है, यदि एक सोडियम है इस पर एक प्लस चार्ज आ गया है तो प्लस चार्ज क्या करेगा, क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए है ना, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का अपने तो एक इलेक्ट्रॉन का भूखा है, एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो चुका है, और क्या इलेक्ट्रॉन निकालने देगा, क्या इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देना चाहेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसका मतलब इसका एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, Mg डबल प्लस, अब दो इलेक्ट्रॉन का कमी हो चुका है, मतलब और ज़्यादा भूखा हो चुका है ये, ठीक है, मतलब और इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देना चाहेगा, मतलब इससे भी ज़्यादा भूखा ये है, देना नहीं चाहेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन तो लेना चाह रहा है। ओके, उसी तरह F माइनस का बात करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, एक इलेक्ट्रॉन ले के ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट हुआ, इसका मतलब ये बोलेगा चलो भाई मेरे पास तो नहीं था, एक दे दिया है तो ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है, इसका मतलब ये देने के लिए रेडी है। और दो इलेक्ट्रॉन, दो माइनस है मतलब दो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये और आसानी से देना चाहेगा, चलो दो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते ले लो, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी सबसे आसानी से कौन देगा, ये यानी इसका आयनिस एनर्जी सबसे कम हो गया, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। और सबसे मुश्किल से कौन देगा, Mg डबल प्लस, यानी चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, और चार्ज ऑन एनायन, जितना ज़्यादा एनायन पे चार्ज होगा जैसे यहाँ ऑक्सीजन पे है उतना कम आयनिस एनर्जी होगा। तो अभी आयनिस एनर्जी का जो ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले किसमें होगा, चार्ज ऑन कैटायन, यानी कैटायन पे ज़्यादा चार्ज इसमें है, फिर Na प्लस पे है, ओके, उसके बाद F माइनस पे, एनायन पे जितना चार्ज ज़्यादा उस उतना कम, तो ऑक्सीजन पे चार्ज ज़्यादा चार्ज है तो उतना कम हो गया, और F माइनस में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। ओके, ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन एन आइटम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, है ना। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, बोला इसमें से किसका जो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी लोवेस्ट होगा। ओके, तो देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी चेक करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है हम लोग देखेंगे साइज, है ना, साइज मीन्स ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट वाला, ठीक है, मतलब कौन सा ऑर्बिट में ये है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट
सेम है, तब हम लोग जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, एंड देन पार्शियली फिल्ड, फुल फिल्ड, और तब जो है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तब जो है लास्ट वाला हम लोग यूज करेंगे, दैट इज चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन वाला। ठीक है, तो है ना, साइज जो है वो पहले देखेंगे, दूसरा देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला, यदि सेम सेम ऑर्बिट पे है तब, सेम ऑर्बिट पे है तब, है ना, और तीसरा सेम ऑर्बिट पे है तो, है ना, और सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तब हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या कहेंगे, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ठीक है, ओके, है ना, और जो पार्शियली फिल्ड फुल फिल्ड इसी में देख लेंगे, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इसमें भी देख लेंगे पार्शियली है कि पार्शियली फिल्ड है या फुल फिल्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पूछा है कि किसका लोएस्ट एनिसेंथैल्पी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑर्बिट, है ना, ये फर्स्ट, इसके पास फर्स्ट और सेकंड दो ही ऑर्बिट है, 1 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी 1 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2, यहाँ 3 हो गया, इसका मतलब इसके पास 3 ऑर्बिट है, तो इसका साइज सबसे ज्यादा हो गया, साइज ज्यादा तो आइनेस एनर्जी कम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेक करना जरूरी है, अदरवाइज है ना आंसर यहाँ पे बहुत लोग जो है डी ऑप्शन भी मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख दूसरा हम लोग यदि चेक करें बाकी में, है ना, तो ये तीनों में चेक करते हैं, ए सी डी में, है ना, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आइनेस एनर्जी किसका होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2p6 है, ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो गया अभी देखे थे, तो सबसे ज्यादा आइनेस एनर्जी इसका होगा। ओके, फिर 2p3 है यहाँ पे, है ना, 2p5 है, तो किस में ज्यादा आइनेस एनर्जी होगा, p3 वाला में, ये हाफ फील्ड हो गया और ये पार्शियली फील्ड है, तो सबसे ज्यादा आइनेस एनर्जी देखा जाए, आइनेस एनर्जी का जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा सी में होगा, देन किस में होगा, देन होगा ए में होगा, और तब जो है डी में होगा, और लास्ट में बी में होगा। ठीक है, तो हमको स्मॉलेस्ट पूछा था, आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है ना, बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे, 2p5 है ना, 2p5 यदि पार्शियली फील्ड है, 3s1 को हाफ फील्ड हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एस में दो ही इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका एनर्जी जो है ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है साइज का भी, है ना, ऑर्बिट, यदि ऑर्बिट सेम है, सेम ऑर्बिट है, तब हम लोग है ना पार्शियली फील्ड फुल फील्ड ये सब चेक करेंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेक करेंगे। यहाँ ऑर्बिट ही जो है ज्यादा हो गया है, तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है JMN 2020 में पूछा हुआ, जनवरी में। ठीक है, इसको ट्राई करें, फिर मैं देखता हूँ। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला है, द फर्स्ट आइनेस एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली आर, है ना, ये सब का फर्स्ट आइनेस एनर्जी मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है ना, सेकंड आइनेस एनर्जी मीन्स दो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है, वो हम लोग भी पढ़ेंगे उससे, है ना, उससे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि इसमें के पहला इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अभी तक आइनेस एनर्जी पढ़ते आ रहा है, वही फर्स्ट आइनेस एनर्जी समझना है। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का पूछा है। ठीक है, इसमें डेटा दे दिया, तो डेटा हम लोग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेटा यहाँ पर डराने के लिए दिया हुआ है ना, डेटा हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं पता रहता है जनरली, जब तक हम लोग किसी बुक में ना देखें, इसको याद किसी को नहीं रहता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग करना क्या है कि ये ऑर्डर को हम लोग को अरेंज करना है, ऑर्डर यदि हम अरेंज कर लेंगे तो उसके बेस पे जो वैल्यू है वो उस वैल्यू का ऑर्डर हम लोग अरेंज कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब डेटा से कोई मतलब नहीं है, सिंपली जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा में रखेंगे, जो कम है उसको कम में रखेंगे, बस वैसे। तो हम लोग इसको पहले अरेंज करते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। सोडियम कैटायन और 11, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, तो ये जो है ना एक ही पीरियड का एलिमेंट है ना, तो ये हो गया एटम नंबर 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो इस तरीके से इधर से इधर जाएंगे तो इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, नंबर ऑफ ऑर्बिट तो नहीं चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर, जेड इफेक्टिव देखेंगे, जब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ना चाहिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगा, सोडियम का सबसे कम, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकॉन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, क्या कि ये जो है हमेशा करेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इसका जो कन्फ्यूजन होगा लास्ट में, है ना, वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका कितना हो गया, 3s1 हो गया, इसका बात करेंगे तो 3s2 हो जाएगा,
इसमें 3s2 3p1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 3p1 होगा और यहाँ पे 3p2 होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है। अब बताओ कि इन दोनों में, है ना, यहाँ पे कौन फुल फिल ऑर्बिटल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3s2 जो है वो क्या है, फुल फिल ऑर्बिटल, s में दोनों इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो ये फुल फिल कहलाएगा, ठीक है। तो फुल फिल ऑर्बिटल होने की वजह से, है ना, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसका, है ना, फुल फिल ऑर्बिटल है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। किससे ज्यादा होगा, है ना, सोडियम से तो ज्यादा ही है, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा हो जाएगा, क्या सिलिकॉन से भी ज्यादा हो जाएगा क्या, नहीं, सिलिकॉन से ज्यादा कभी नहीं होगा, है ना। जब भी फुल फिल ऑर्बिटल की वजह से जो भी एनर्जी ज्यादा होगा तो सिर्फ बगल वाला से ही ज्यादा होना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उतना ज्यादा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि सबसे ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ बगल वाला से ही जो है ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है फुल फिल्ड होने की वजह से, एस में दो इलेक्ट्रॉन, ये फुल फिल्ड है, पी में देखेंगे तो पी में जो है हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है, पी में जो है हाफ, मतलब पार्शियली फील्ड है, सॉरी पार्शियली फील्ड है, तो ऑफकोर्स ये जो है ज्यादा स्टेबल होगा, इसके लिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गया, यानी मैग्नीशियम वाला यहाँ चल जाएगा, यानी अब ऑर्डर जो होगा वो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सोडियम फिर एल्यूमिनियम फिर मैग्नीशियम फिर सिलिकन, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है ना, रिस्पेक्टिवली मतलब सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकन का रिस्पेक्टिवली पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ चेंज किस में हुआ है, चेंजिंग हुआ है किसमें, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, मतलब मैग्नीशियम वाला पार्ट उधर चल गया है, ठीक है। तो हम लोग जो वैल्यू देखेंगे सबसे ज्यादा वाला सिलिकॉन का होगा, ओके, उसके बाद वाला मैग्नीशियम का होगा, लेकिन मैग्नीशियम तो सेकंड नंबर पे था तो सेकंड नंबर वाला खोजेंगे। तो सबसे ज्यादा वाला किसमें दिख रहा है, सबसे ज्यादा तो, है ना, सबसे ज्यादा इधर देखना है ना, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा यहाँ और यहाँ नजर आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, रिस्पेक्टिवली बोला मतलब सिलिकॉन वाला सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद, है ना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, तो पहले मैग्नीशियम आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में और एल्यूमिनियम बाद में आ रहा है, लेकिन आंसर में मैग्नीशियम क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, मतलब इस साइड में आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का आंसर ज्यादा है, लेकिन हमको सेकंड नंबर पे इसको रखना है, सेकंड पे ना था ये, तो सेकंड पे ज्यादा, अब इसके बाद कौन सा है, सेकंड पे ज्यादा 786 के बाद 737, यही वाला है, हाँ यही वाला है, ठीक है, लेकिन मैच कौन सा कर रहा है, है ना, ये वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। और, है ना, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद सोडियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है थर्ड नंबर पे यहाँ पे था, उसका वैल्यू तो सोडियम से ज़्यादा ही होगा, तो सोडियम से तो ज़्यादा ही है और सोडियम का सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से, है ना, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पॉज करके या फिर से वीडियो को चला के देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इसमें, ओके।